तीन चार एक्टिविटीज़ करवाई आपको, आपको पता होना चाहिए कल जो है वो 10th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन है, तो उसी के चलते हुए पूरे भारतवर्ष में कल इंटरनेशनल योगा डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आपके जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, वो शेर कश्मीर कॉन्फ्रेंस हॉल में कल 7,000 लोगों की प्रेजेंस में जो कल की जो सेलिब्रेशन करेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जोनल लेवल पे या क्लस्टर लेवल पे जो आज हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और 21st की जो सेलिब्रेशन है हमारे उधमपुर में वो सुभाष स्टेडियम में हो रही है, वहाँ पे बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है। सुबह पहले तो 6 बजे का टाइम था, अब तो वो टाइम थोड़ा चेंज हुआ है, तो 7 बजे स्टार्ट होगा वहाँ पर सेलिब्रेशन, ठीक है। तो योगा हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है, तो आप टीवी में देखते ही हो, योगा के लिए अलग अलग टाइम पे हमारे जो एक फेमस आइकन जो है रामदेव जी, बाबा रामदेव जी, वो सुबह रोज़ टीवी पे आते हैं और अलग अलग आसन बताते हैं। तो हमारी स्कूल की बच्चियां जो हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारे और बच्चे हैं जो योगा में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे बच्चों ने नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे योगा में रिप्रेजेंट करा हुआ है, ठीक है। जो सुबह एक आधा घंटा जो है योगा में लगाते हैं, तो कहते हैं ना करोगे योग तो रहोगे निरोग, ठीक है। खान पान तो अपना शुद्ध रखना ही है, अगर अपनी सेहत, अगर आपने लॉन्ग लाइफ जीनी है तो निरोगी रहना है, तो आपको योगा को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो यही मैसेज आपने जो है अपने अपने जहाँ पे भी आप रहते हैं, अपने घर में, अपने पड़ोस में, जो भी आपके परिचित हैं, तो योगा के बारे में आपने उनको बताना, ठीक है। इनको रिफ्रेशमेंट वगैरह देनी, अभी दे देते हैं सर। हाँ।